हेलो एवरीवन, आई एम शुभी पटेल फ्रॉम केएमएस फैशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड के। अब ये फूड क्या है, क्वेश्चन उठता ही होगा। फूड कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम खाते या पीते हैं और जो हमें एनर्जी देता है, ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे बॉडी को फिट रखता है। अब फूड में काफ़ी टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आगे क्लासिफाइड हैं। पहला न्यूट्रिएंट जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं शुगर केन, स्वीट पोटैटो, वीट, राइस, बार्ले, बाजरा एट्सेट्रा। पर अगर आपको फिर भी एक डाउट है और आपको पता लगाना है कि कौन से फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं, तो आपको उस फूड आइटम में 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन के डालने हैं और अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक टर्न हो जाता है, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सेकेंड टॉपिक जो है हमारा वो है फैट्स। फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड्स के अंडर आता है। इसके एग्जांपल्स हैं फिश, मीट, मिल्क प्रोडक्ट जैसे कर्ड, घी हो गया आपका, बटर हो गया, क्रीम हो गया, ये सारे आपके मिल्क प्रोडक्ट्स के अंडर आएंगे। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स हमारे बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए हेल्प करता है और हमारे जो डैमेज टिश्यू होते हैं उसको भी वो रिपेयर करता है। प्रोटीन्स पल्सेस में मिल जाएंगे आपको और अगेन वो मिल्क प्रोडक्ट्स में भी आपको प्रोटीन्स मिलेंगे। अब जो कि हम बात करेंगे विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में, तो विटामिन्स और मिनरल्स हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और तो और वो हमारी बॉडी को बहुत फिट रखते हैं। विटामिन्स का कुछ एग्जांपल है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, और मिनरल्स आपको हर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिल जाएंगे। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई और पसंद भी आई। कोई भी क्वेरी हो तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और अगर आप चाहते हैं मैं आपको ऐसे और यूज़फुल वीडियोस अब आपको भेजती रहूं, तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें केएमएस फैशन को। थैंक यू।